सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम लोग एक बंदे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। पूरा का पूरा रॉ वीडियो रहेगा मेरे चैनल पे, जिसने कल बहुत ज़्यादा ही लगा, आपने देखा होगा। मैं तो पहले खुश हो गया था, भाई 65 कमेंट कब से आने लगा मेरे पे। दिखाता हूँ उसने क्या किया। मैं कल नॉर्मल वीडियो डालता हूँ, एक मॉन्टाज, और उसका टाइटल रहता है आई वॉन्ट टू बी नेक्स्ट मॉर्टल, आई एम अनस्टॉपेबल। नॉर्मल सा वीडियो था, हर वीडियो की तरह अच्छा अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स आप लोग की तरह से मिला। 41 व्यूज और 21% इम्प्रेशन रेट, उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कि पहले से बढ़ा है मेरा। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कमेंट सेक्शन, इधर आता हूँ। कहाँ गया, आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, रहता हूँ। पूरा का पूरा एकदम रो वीडियो रहेगा ये वाला वीडियो का। इधर वीडियो नहीं जा रहा, ये रहा भाई कमेंट करता है, ऐसे ही थोड़ी ना मॉडल, ऐसे ही थोड़ी मॉडल बन जाते हैं भाई, स्क्रिम खेल के मॉडल जैसे थोड़ी बनते हैं, मॉडल का गेम प्ले हलवा थोड़ी है। फिर मैं भाई को लिखता हूँ, इंग्लिश आती तो एक है बंदा वाई वी गेमिंग नाम, तो उसका भी, वो भी इसमें शामिल है, उसका कल मुझसे बात होता है इंस्टाग्राम पर, उसका भी हर एक चीज़ दिखाऊंगा। लिखता है मतलब कुछ इमोजी बना के भेजता है, और वो उसको लिखता है इमोजी को भी भेजता है हंसने वाला, कुछ नहीं बोलता है। लिखता भाई इंग्लिश आती तो ये नहीं लिखते, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे देख रहा है कि मैं टाइटल क्या रखा हूँ, आई वॉन्ट टू, मतलब मैं बनना चाहता हूँ भाई, और कौन नहीं बनना चाहता मॉडल जाता। उसके बाद हेटर स्पॉटेड मैं लिखता हूँ, क्योंकि भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही, आप लोग को दिखाता हूँ क्या करता है। तेरे से ज़्यादा इंग्लिश आती है ठीक ना, ठीक है ना, एंड ओवर एटीट्यूड मास्क एंड ओवर एटीट्यूड स्पॉटेड, ये भी हक दिया भाई ने, मैं तो ये ध्यान नहीं दिया भाई। ओवर एटीट्यूड स्पॉटेड क्या होता है भाई, पहले तुम ये बता दो अभी अगर ये कमेंट सेक्शन में। उसके बाद भाई लिखते हैं गाइस क्या ये वही प्रोग्राम है जो पहले, एक दिन पहले डी एन डी ऑन कर दो। हाँ गाइस क्या वही क्रोमैक्स है जो पहले, जो कहता था कि इसके अंदर जीरो एटीट्यूड है, और अब देख लो इसको। पता ही ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इसके साथ अभी खेल नहीं पाता, मैं किसी के साथ नहीं खेल पाता हूँ भाई, मैं जो जान शू तक के संग तो खेल नहीं पाता हूँ दिन भर, मैं क्योंकि दिन भर स्क्रिम्स रहते हैं नॉर्मल। उसके बाद गेम से इम्प्रूव हुआ है तेरा मानता माना, बट ये मत सोच कि तेरे से अच्छा कोई नहीं खेलता भाई। मैं कब बोला मुझसे अच्छा कोई नहीं खेलता, मैं तभी बोलता मैं बहुत नूब हूँ, मेरी टीम में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं भाई, मैं उनसे भी सबसे घटिया तो मैं ही खेलता हूँ, पूछ लेना किसी से भी अगम या फिर किसी से भी। अगर तेरी ये हरकत हरकत नहीं होती तो तू, तो मैं तमीज से बात करता हूँ, मैं इसमें क्या हरकत कर दिया भाई, खेला नहीं ये हरकत थी, ओके गुड। उसके बाद हाँ तो टाइटल पढ़ लिया था, नॉर्मल सी बात मैंने कह दी। उसके बाद वही कुछ लोगों की सोच बदल गई है, और नहीं तो क्या भाई, नहीं तो पहले अंदर कैसे कैसे आता था भाई स्ट्रीम व्रीम पे, मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्क्रम चलते हैं, और भाई मैं नॉर्मली यूट्यूब पर ले रहा हूँ, मैं ई स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। नॉर्मल सबका भाई कॉमेंट आया, टी एस के रहमत मेरा टीम मेट है, उसने कहा आइए जी जी, और वैसे नॉर्मल सी बात है भाई। भाई का और कमेंट कहाँ गया भाई, जो उन्होंने हटा दिया शायद, देखो यहाँ पे 20-35 कमेंट्स दिखा रहे हो, इधर आ गए थे कुछ भी नहीं। तब मैं खोलता हूँ इसको यहाँ पे यूट्यूब दस मास्टर वाला, और पूरा पूरा देखो रॉ वीडियो है, मैं एकदम भी कुछ भी हटा वटा नहीं। इधर खोलता हूँ, इधर के कमेंट सेक्शन में एक बार देखता हूँ कि भाई ने यहाँ पे है तुम, ये आ गए, हाँ इधर है सारा का सारा। टाइटल तो पढ़ लेता एंड हाँ इधर लिखते हैं भाई, कौन कर रहा है कि लोगों की सोच बदल गई। भाई लोगों की सोच नहीं बदलती ना, कभी यहाँ पे आकर के तो हविता है, हैशटैग हेटर स्पॉटेड, ठीक है। फिर लिखता है भाई कि आईडी पे जॉर्ड लिखने से कोई जॉर्ड प्लेयर नहीं बन जाता है, अपनी तारीफ खुद से मत करो, आई एम अनस्टॉपेबल हट भाई, आई एम अनस्टॉपेबल तो पहले इस गाने का लिरिक्स है, उसके बाद जॉर्ड नहीं जॉर्ड होता है JOD, तो हर तो दिए तुमने फिर से इंग्लिश में। उसके बाद मैंने भी वही लिखा भाई जॉर्ड नहीं जॉर्ड जॉर्ड होता है, उसके बाद और आई एम अनस्टॉपेबल गाने का नाम है, गाने का लिरिक्स है। उसके लिखता भाई चुप बॉटो आवे, और रिजांशु उसमें आता है फिर चैट में, बोलता है कि सॉन्ग का नाम भी नहीं जानता, और बॉट किसको बोल रहा है आजा वन वन दम है तो आजा, डर के तो आता नहीं, और बॉट बोल रहा है हाँ खेलने तो आता नहीं, बॉट बोल रहा है क्या हरकत है भाई। वही तो, अरे क्यों लड़ रहे हो, आई भी कमेंट करता है, इसका भी मैं पूरा एक्सपोज करता हूँ, रुके रहो। पहले शुरू किया वो
तू औकात में रह। अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं औकात जो हमने कल तुमको दिया है पबजी में, बीजीएमआई में। पहले तू तूने शुरू किया मिस्टर एटीट्यूड, ओके। मैंने शुरू किया कमेंट, किसने किया हगने वाला भाई भी। तुम बताओ फर्स्ट मैसेज किसकी हैशटैग एटीट्यूड मास्टर ने क्या बोला था? ओके क्या बोला था भाई, मुझको खुद नहीं पता, मैं अभी बताता हूँ क्या क्या मैंने इसको बोला था। हो तुम दोनों बॉट, बोल बोलूँ सॉरी बोल तू मेरा क्या बिगाड़ देगा? अभी बिगाड़ तो दिया भाई कल तू, तुझे 38 से हरा करके। मेरी मर्जी, तू सिखाएगा मुझे लिखना? हाँ भाई सिखा दूंगा भाई, हगेगा तू साफ, तो पापा को ही ना करना पड़ता है। अब दिखाते हैं भाई के कल का गेम प्ले। मैं दिखाता हूँ वाईवी का कल का मैसेज भी भाई। अच्छा वो तो जनरल में वाईवी भाई ये रहे। ओके भाई की कल मुझसे बात होती है लगभग 11-11 बजे के आसपास। लोड हो जा भाई। नॉर्मल सी मेरी इससे बात हो रही थी और भाई गाली वाली दे रहा था। वो कौन है, दिव्यांश गाली वाली दे रहा था, उसके मैं आप लोग को प्रूफ दिखाऊंगा। भाई कहाँ पे बोलता है कि कहाँ गया भाई ये, दुनिया में हर पोस्ट पे गाली भी देता है। भाई कहाँ गया, हाँ क्या हुआ? हाँ मैंने उसको मैसेज किया था सॉरी। हाँ भाई ने इधर मैसेज मुझको किया, हेलो ब्रो, बोला यस ब्रो। हाय ब्रो क्या बोला आपने दिव्यांश को अभी फिर आप तो देख लो। हाँ मैं बॉट बोल रहा था, फिर बॉट से ही 38 से हार गया। फिर M24 बोला, उसमें भी 26 और 9 से हार गया। कल एक्सपोज वीडियो डाल दूंगा चैनल पर, फिर तो नेक्स्ट लेवल। अरे भाई उस दिन आपने उसको बॉट बोला था भाई, बॉट बोलने से भाई क्या ही हो जाएगा भाई। और उतना देखो बॉट का मुझको वो नहीं है कि वो मुझको बॉट बोल रहा है या फिर मैं उसको बॉट बोल रहा हूँ भाई। ये नॉर्मल सा बात होता है, कोई भी गुस्से में आकर के बोल देता है। और लेकिन भाई वो जिस सेंस में बोल रहा है, उसके गाली वाली दे रहा है, उसके बाद तो भाई मुझको भी गाली देने आती है जो मैंने दी है उसे। तो इससे गुस्सा आएगा, आया सो इससे गुस्सा आ जाएगा। तो दुनिया में तो सब लड़ने चाहिए। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ दुनिया में क्यों लड़ने चाहिए। अब देखो मेरे एक टीममेट है जो कि बहुत अच्छा खेलता है, इसका नाम है अगम। तू वैसे बहुत गंदा खेलता है अगम, ठीक है। मैंने इसका भी नाम बॉट के नाम से सेव किया हुआ है। हम लोग का ये टीम का ग्रुप है और इसमें इतनी मतलब अगर कोई भी बेकार खेलता ना, ये देखो यहाँ पे भी गाली दे करके बात हो रही है और फिर हर जगह भाई तुम नॉर्मल सा बात को लेकर के इतना अगर ऑफेंड हो गए ना तो कुछ भी हो जाएगा। फिर वो मुझको बता रहा है कि भाई एक बंदा तुझे गाली वाली देता है, हर पोस्ट पे गाली दे रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं छोड़ो ना। उसके बाद और कंटेंट मिल गया और अब बताता हूँ कि ये भाई साहब हैं कौन। इट्स सत्यम करके भाई, एक अपना रील्स डाले थे जिसमें कि मैंने कमेंट किया था कि भाई इसको मोबाइल क्यों दे रहे हो अभी, मतलब भाई स्कूल खोल दो, क्योंकि हग रहे थे भाई रील्स पे आकर के, टिकटॉकर बन रहे थे बस। उसके बाद भाई आकर के गाली वाली देने लगे। बोला कोई बात नहीं छोड़ो, और कंटेंट मिल गया मुझको तो मज़ा आएगा। कल दिव्यांश और ठीक है, और नहीं मैं सच ही बताऊंगा। वो बोलता है कि भाई तुम झूठ बताओगे क्या कि वो दिव्यांश? बोला नहीं, वैसे दिव्यांश पहले दोस्त ने बोला अभी भी है, बट उसका दिमाग ख़राब हो चुका है और वो चूतिया बन गया। वैसे आप बहुत सारे सब वैसे आपके बहुत सारे सबसे बढ़ गए और घट भी गए। मैं बोला हाँ भाई वाइटी बाबा का दिमाग ख़राब हो गया और नए और चैनल शैडो बैन भी अभी। हाँ ये बात भी सच है भाई। एक थंबनेल भेजते हैं, बोलते हैं कल दिस इज़ यू, ये भी हक दी भाई इंग्लिश में, बट कोई बात नहीं। बोला नहीं लाइंग, वो बोलते हैं बोला नहीं किसी का थंबनेल बन लिया था। दिव्यांश को व्हाट्सएप पे कुछ बोला तुमने? बोला नहीं भाई कुछ भी नहीं। देखो अभी रिजांशु का कॉल आया था, उसने बोला कि अब उसे भी गाली दे रहा है। अब यहाँ से मैं तुम लोग को दिखाता हूँ जो दिव्यांश जो रिजांशु ने मुझको उसका स्क्रीनशॉट भेजा है। ये देखो जो रिजांशु मुझको स्क्रीनशॉट भेजता है, उसमें दिव्यांश की आईडी है ना, ये दिव्यांश देख लो, उसको भी जाके गाली दे रहा है। करेगा रूम तो डेक में आ जाइयो, पता नहीं भाई क्या लिखना चाह रहा है वो। हारना पक्का है तेरा बॉट, 11:30 बजे लिखता है। और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ गाली दे रहा है, ये देख लो। उसके बाद हम लोग उसके पहले हम लोग एक 1v1 में उसको हरा चुके हैं, मैं और रिजांशु दोनों लोग। अब यहाँ से आता है भैया का 1v1 का वीडियो, आओ देखते हैं।
मैं इधर नॉर्मल सा भी मारता हूँ भाई को, पहली बार में कुछ ज़्यादा ही मार देता हूँ। और इसका पूरा का पूरा एक वीडियो आएगा चैनल पे, जिसमें कि आखिर में देख लेना, मैंने इसको गंदी तरीके से हराया और मेरे टीममेट को मारने लग रहे थे जब इनसे किल नहीं हो रहा था नॉर्मली। आखिर में मैं इसको 22 और कितने से हराता हूँ, 22 और 8 से। ओके भैया को मैं 23 और 8 से हराता हूँ। उसके बाद भाई बोलता है कि भाई तुझे इतना ही है तो तू M24 में आ जा। बोला ओके भाई आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अभी अभी M24 आ जाता हूँ। भाई को फिर M24 में भी हम लोग हरा देते हैं और भाई फिर रोने भी लगते हैं। चलो भाई को M24 में भी दिखा देते हैं कि हम लोग हगते हैं कितना। और कितने से हराता हूँ भाई मैं इसमें इसको, एक सेकंड, लेफ्ट द राइट जा रहा है थोड़ा। अरे भाई भाई हो जा। हाँ 24 और 10। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता ही बच्चा है। और भाई फिर आकर के मुझको गाली दे रहा था कहीं से, भाई फिर आकर के मुझको कहीं गाली दे रहा था। और कमेंट में आप लोग को इसका पढ़ाता हूँ, कहाँ गया वाला वीडियो इधर। मैं एक नॉर्मल अब वीडियो देखो रोज़ डाल रहा हूँ, और उसके बाद तुम लोग बोल रहे थे कि वाई वी कैसे इसमें इन्वॉल्व है। वाई वी इस वजह से इन्वॉल्व है ना क्योंकि मुझको इसने बताया था, दिव्यांश ने, कि वाई वी ने बताया कि आपने उस मुझको क्या क्या कहा है। और इधर एक और जगह बोला था इसने कि वाई वी तुम बताओ फर्स्ट में, नहीं इसमें यहाँ पे अगर इसने कमेंट डिलीट कर दिया तो मैं नहीं जानता हूँ, बट इसने कहीं पे लिखा था कि वाई वी करके कुछ लिखा था कि वाई वी बताओ ऐसा करके, मेरी मर्जी तू सिखाएगा, कस्टम बताया दिया। मैंने उसको हरा करके लिख दिया कस्टम बता दिया भाई। और अभी तो हक दिया भाई ने, कोई बात नहीं, होता है। रिजांशु के चैट पे यह आ गया, रिजांशु का चैट। और कहाँ गया यस्टरडे, हाँ उसको ज़्यादा चढ़ी है साला। हाँ कल ठोक दूंगा उसको तेरे सामने, नंगा पीटूंगा। अरे अरे फिर उसको बोल देना कि स्पाइडी दे रही। ठीक है भाई, टॉक्सिक होऊंगा तो फाड़ दूंगा, बट आता डर हम होते नहीं, कल स्पेक्टेट पे रहना, रूम बनाऊंगा। ओके ओके फिर रूम हम लोग रात को 10-10 बजे के आसपास खेलते हैं, उसके बाद भैया जी रोने लगते हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और उसके बाद भाई का बात करने का तरीका ही बदल जाता है, पता नहीं क्यों बट बदल जाता है भाई की बात करने का तरीका। भाई आप करके वापस से बात करने लगता है। मैं तो भाई अब इससे नहीं बात करने वाला क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इसने कर दिया था। और बस यही था वीडियो, और बताता हूँ आप लोग को और इसके आगे अगले वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी। और रिजांशी मुझको रात में कॉल करके बताता है कि भाई अभी मुझको फिर से गाली दे रहा, मैं ये बताना भूल ही गया था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, कल मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। मोन्टाज आ जाएगा ही, और अभी इसका 1v1 का भी वीडियो आएगा, उसमें देखना इसको कैसे मारते हैं। यार पता नहीं हेडशॉट लग नहीं रहा था तब भी बेचारा मर जा रहा, बॉट से मर जा रहा। कोई बात नहीं दिव्यांश, होता है, बॉट से मरने पे इतना दुख नहीं होना चाहिए। गुड बाय टाटा, सी यू लेटर, बाय बाय।